हेलो फ्रेंड्स, आरके टॉक्स के एपिसोड नंबर 16 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, आज 21 जून है। आज का दिन पूरे विश्व में 177 देशों में इस योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड योगा डे के रूप में मनाया जा रहा है और सन 2015 से ये दिन पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। योग दिवस की खासियत ये है, या योग दिवस की इम्पोर्टेंस ये है कि योग के जनक महर्षि पतंजलि ने आज से 2000 साल पहले ग्रंथ लिखा, योग सूत्र ग्रंथ लिखा। उसमें योग के बारे में विस्तार से बताया और उन्होंने बताया कि जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, जीवन को कैसे जीना चाहिए जिससे आदमी सुखी रह सके, निरोग रह सके और परमात्मा से उसका मिलन हो सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। तो ऐसे ही आज हम योग के बारे में जानेंगे कि योगा डे क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों हमको इनको मनाना चाहिए और क्या इसकी खासियत है। सबसे पहले अपन योग जानने से पहले जानते हैं योगा के प्रकार कितने होते हैं, योग के प्रकार कितने हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं योग के प्रकार कौन से हैं। सबसे पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर राजयोग, फिर हठ योग और ज्ञान योग और तंत्र योग। इस तरह से 6 तरह के योग होते हैं, 6 तरह के इसके प्रकार हैं। तो कर्म योग और भक्ति योग है तो वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में दिया था, गीता उपदेश के रूप में कर्मयोग और भक्ति योग का उपदेश दिया था। राजयोग है वो ज़्यादातर ब्रह्म कुमारी द्वारा अपनाया जा रहा है और हठ योग को स्वामी कृष्णमाचार्य दक्षिण भारतीय विद्वान थे, उन्होंने इसको सरलीकरण किया, इसका सिंप्लीफाइड किया। तो उन्होंने आसन और प्राणायाम को मिला के इसको हठ योग रूप दिया और पूरी संसार में इसको प्रचारित किया हठ योग करके। इसमें खाली आसन और प्राणायाम को उन्होंने मिलाया। फिर उसके बाद ज्ञान योग है और तंत्र योग है। इस तरह से 6 तरह के इसके प्रकार हैं और इसमें अपन जानते हैं कि कौन कौन सी विधाएं हैं जिससे योग को किया जा सकता है या योग को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें जो विधाएं हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले यम, नियम, धारणा, यम, नियम, धारणा, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार और समाधि। ऐसे करके इसके 8 विधा हैं। तो अपन इनके बारे में जानते हैं कि 8 विधा क्या क्या होती हैं। सबसे पहले जानते हैं यम के बारे में। यम विधा है, उसमें अहिंसा है, सत्य है और चोरी ना करना, उत्पेय है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है, मतलब किसी जितनी ज़रूरत हो उतना ही संग्रह किया जाए धन का। इस तरह से 5 इसके नियम हैं यम के। दूसरा है नियम, नियम से चलने में मन की शुद्धि है, तन की शुद्धि है, संतोष है, तप है और ईश्वर की प्राप्ति है, ये नियम के अंदर है। धारणा है, इसमें शरीर को एकाग्रचित करना है। फिर उसके बाद में आसन है, तो ऐसे इसमें महर्षि योगी द्वारा 84 तरह के आसन बताए गए हैं, पर जो उनमें जो मुख्य आसन है, जो ज़्यादातर प्रचलित हैं आसन हैं, उसमें पद्मासन, दंडासन, स्वस्तिकासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार, नौकायन, सर्वांगासन, मंडूकासन, वज्रासन, बटरफ्लाई के रूप में उष्टासन, ऐसे तरह के 84 तरह के आसन हैं। और आसन और भी तरह के बहुत सारे ऋषियों ने अलग अलग और भी आसन बताए हैं, पर जो मुख्य रूप से प्रचारित हैं वो 84 आसन हैं। तो उसको अपन अच्छी तरह से जान सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इनको करने से शरीर को शारीरिक रूप से शरीर को फ़ायदा होता है। फिर उसके बाद में प्राणायाम, प्राणायाम है वो 8 तरह के प्राणायाम बताए गए हैं। तो 8 तरह के प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम, भामरी, भाषिका, नाड़ी शोधन, अजयी और शीतकारी हैं। ऐसे 8 तरह के प्राणायाम हैं। फिर उसके बाद में ध्यान, तो ध्यान भी 4 तरह के ध्यान बताए गए हैं। ऐसे तो शिव जी ने पार्वती को 1 से 12 तरह के ध्यान बताए, लेकिन योग सूत्र में जिन्होंने ग्रंथ लिखा था पतंजलि ने, योग सूत्र उसमें उन्होंने 4 तरह के ध्यान बताए हैं, जिसमें दृष्टा ध्यान, भ्रक्टि ध्यान, श्रवण ध्यान और प्राणायाम ध्यान। तो दृष्टा यानी आँखों से संबंधित है, श्रवण है वो कानों से संबंधित है, भ्रक्टि है वो दिमाग से संबंधित है और प्राणायाम है वो सांस से या फेफड़ों से संबंधित है। ऐसे तरह के इसमें साधन हैं। तो आम आदमी के लिए, क्योंकि औरों को करना बहुत संभव नहीं है, तो उस आसन और प्राणायाम को दोनों को मिला के करते हैं तो उसी से वो पूरे योग का रूप आ जाता है और शरीर और दिमाग दोनों संतुष्ट हो जाते हैं और सही हो जाते हैं दोनों ही। और फिर उसके बाद में समाधि, जो लास्ट में है वो समाधि है।
योग क्या चीज है, अपन यही जानते हैं योग क्या है। योग का मतलब होता है प्लस या जोड़, योग का मतलब है तन को मन और आत्मा से मिलाना, तन और आत्मा से मिलाने को योग कहते हैं। योग कहो या जोड़ कहो या प्लस कहो, किसी को जोड़ना, आपस में जोड़ना, ऐसे करके इसकी 8 विधाएँ, उनको इससे प्राप्त किया जा सकता है। फिर अपन जानते हैं कि योग क्यों किया जाए, क्या करें, क्या फ़ायदा हो सकता है योग करने से। तो अपन को अपन 2-3 इसको पार्ट में बांट देते हैं कि योग क्यों किया जाए। सबसे नंबर है इंक्लूसिव, ये सबको मिला के रखता है, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, आदमी हो, औरत हो, सब एक साथ मिलके कर सकते हैं, खुली जगह में कर सकते हैं। कोई खास यंत्र की सामान की ज़रूरत नहीं है, खाली एक मैट ही काफ़ी है, या कोई टावल हो, चादर हो, खुली हवा में हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल ना के बराबर लागत है। अपन को एक योग ट्रेनर की ज़रूरत है, जो प्रशिक्षक है, योग प्रशिक्षक की उसकी ज़रूरत है। कुछ ही दिन में सीख जाते हैं, फिर आराम से खुद ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हेल्थ बेनिफिट्स हैं। हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है भाई, जो इसमें हार्ट की जो परेशानी या लाइफ स्टाइल डिजीज है उसमें फ़ायदा पहुँचाता है, BP है, शुगर है, हार्ट की परेशानी है, कोलेस्ट्रॉल को डाउन करता है, जॉइंट्स हैं उसको ठीक करता है, जॉइंट की परेशानी को, नींद बढ़ाता है, मूड को अच्छा करता है, पीठ में दर्द है उसको ठीक करता है, और पेट में जो बीमारी है पुरानी उसमें भी फायदा पहुंचाता है, और शरीर के लिए लोचन देता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, जॉइंट आसान से मुड़ सकते हैं। फिर उसके बाद है मानसिक रूप से अपन को क्या फ़ायदा होता है, तो जो अपने दिमाग में स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, उसको कम कर सकता है, कम कर देता है, और हमारे दिमाग को फोकस बढ़ाता है, काम करने में मन अच्छा लगता है, नींद को बढ़ाता है, ऐसे करके इसके तीनों तरह के फ़ायदा हो जाते हैं, मानसिक भी फ़ायदा होता है और शारीरिक भी फायदा है। तो अपन देखते हैं कि भाई योग करने से अपन के शरीर को फ़ायदा होगा। आज के योग अड्डे पे हमारी यही सार्थकता है कि हम सभी इसको योग को करें और शरीर को, जैसे हमारे पुराने महर्षियों ने बताया है कि इसको योग करें और अब शरीर को निर्योग बनाएं। आज के दिन का यही संदेश है। इस चैनल को बढ़ाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।